उत्तरांचल के पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित गंगा हिमालय बचाओ विचार गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान किशोर उपाध्याय के अलावा कई समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया। किशोर उपाध्याय ने मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर भी बड़े सवाल खड़े किए। किशोर उपाध्याय ने गंगा और हिमालय को बचाने के लिए एक सतत विकास नीति के बनने की मांग की। इसके साथ ही केंद्र की सेवाओं में नौजवानों को आरक्षण मिलना चाहिए और 10,000 करोड़ का ग्रीन बोनस महिलाओं के लिए मिलना चाहिए, जिससे माताओं बहनों को उससे सहयोग मिल सके। लंबे समय से 90-91 से हम लोग गंगा हिमालय बचाओ आंदोलन को चला रहे हैं। मध्य हिमालयी राज्य के जो विधानसभाएं हैं, पत्रकार हैं, एनजीओ हैं, उनसे 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 बातचीत की है और इसमें हम सब की मांग ये है कि हिमालय और गंगा को बचाने के लिए एक सतत समावेशी विकास की नीति बननी चाहिए और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोग जिस तरह का पूरे हिंदुस्तान का ट्राइब है, उसी तरह से उत्तराखंड के हम लोग भी रहे हैं। जैसे चक्राता है, वहाँ सब लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो जो केंद्र सरकार है उसकी सेवाओं में पूरे उत्तराखंड के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे नौजवान फ्रस्ट्रेट होकर के, जैसे मध्य हिमालय के अन्य राज्यों में परेशानियाँ हैं, आतंकवाद है, उस तरफ न जाए।